कृषि विज्ञान केंद्र में दो दिवसीय किसान मेला का शुभारंभ बुधवार को डीएम सुहर्ष भगत ने किया। इस मेले में जिला के कृषि उत्पादों का स्टॉल लगा है। केला, पपीता, ओल, कद्दू, खीरा, कदीमा, सब्जी आदि फल और फसलों का स्टॉल आकर्षक का केंद्र बना रहा। कई किसानों का उत्पाद आकर्षक का केंद्र बना रहा। झीरवा का ओल किसानों को खूब भाया। इसके अलावा मशरूम उत्पादक किसान भी पहुंचे। परपुर और बीड़ी के किसानों का केला सबका दिल जीत गया। दुर्गापुर के बीरेंद्र और कुंज बिहारी ने एप्पल बेर का भी स्टॉल लगाया। सभी वर्ग के बेहतर उत्पाद को मेला के दूसरे दिन गुरुवार को पुरस्कार दिया जाएगा। पहले ही दिन किसानों को उत्पाद देखने सैकड़ों की संख्या में किसान केवी के पहुंचे। दौरान डीएओ विष्णुदेव रंजन प्रसाद, डीएफओ संजय किस्कू, आत्मनिर्देशक विकास, निर्देशक उद्यान अमृता कुमारी, मंटू कुमार, अरविंद कुमार, अजीत कुमार, अश्विनी श्रीवास्तव, रिपु सुदन सिंह, डॉक्टर वीरेन सहित कई किसान भी मौजूद थे। मेले का उद्घाटन करने के बाद डीएम काउंटर की ओर गए। उन्होंने किसानों से बात की तथा उनकी प्रदर्शनी को देखा। किसान मेले के बाद डीएम ने केवीके के बकरी फार्म को भी देखा। उन्होंने कहा कि इस तरह का बकरी फार्म प्रखंड स्तर पर भी बनाई जाए। साथ ही हर फूल से संबंधित कार्यों को उद्यान विभाग के सहयोग से और विस्तार देने की बात कही। केवीके द्वारा दूध के उत्पाद जांच एवं हेल्दी ड्रिंक्स तैयार किए जा रहे हैं। अब इसे और विस्तृत फलक दिया जाएगा। तकनीक आधारित खेती पर दिया जोर। किसान मेले के दौरान किसानों को तकनीक आधारित खेती पर ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि विभाग के अधिकारी और केवीके के विज्ञानियों ने किसानों को बताया कि कैसे कम लागत में ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केवीके समन्वयक सह विज्ञानी डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद ने कहा कि किसानों को लगातार खेती की नई तकनीक से अवगत कराया जा रहा है। केवीके में इस तरह का मेला किसान मेला है। निश्चित रूप से इसे देखकर अन्य किसान भी प्रगतिशील खेती को आगे आएंगे। लार्ज स्केल में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल में भूसा ले लेते हैं, जैसे कि गेहूँ का भूसा या नहीं तो पुआल की कुट्टी, दोनों में से कोई एक चीज़ आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उच्चारित करना पड़ता है, यानी कि इसको स्टरलाइजेशन करने के लिए दो विधियाँ होती हैं, जो कि पहला विधि प्योर ऑर्गेनिक से कही है, तो इसको भूसा को स्टीम के द्वारा, इसको मतलब भाप के द्वारा इसको गर्म करना पड़ता है भूसा को ठीक। दूसरा विधि है कि फार्मेलिन और व्यवस्थित से करते हैं, तो वो थोड़ा सा मेडिसिन यूज हो गया, तो अगर मतलब हमको प्योर ऑर्गेनिक चाहिए तो हम इसको उबाल के करते हैं, यानी इसको स्टीम से भाप करके ही करते हैं। ये हमारा 100% मतलब निर्जलीकृत हो जाता है, प्योर उपचारित हो जाता है। उसके बाद इसको 50% के नमी पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग करने के लिए 14x24 का जो ये पॉलिथीन आता है, ये मशरूम के लिए स्पेशल है 14x24 का, उसको ले लेते हैं। और सबसे पहले एक बाल्टी पानी में 2 बूंद डिटॉल का पानी डाल देते हैं उसको, उसके बाद इस पन्नी को धो लेते हैं, क्योंकि हम भूसा को जो डालेंगे वो हमारा उपचारित किया हुआ भूसा है, और पन्नी जो है बाजार का पन्नी उसमें हो सकता है कि इसमें जीवाणु कीटाणु हो, इसलिए उसको मारने के लिए हम डिटॉल पानी में उसको धो लेते हैं। उसके बाद नीचे ये पॉलिथीन का जो ज्वाइंट वाला भाग है उसको फोल्ड करके बांध लेते हैं, ताकि ये उसका पेंदी गोलाई हो रैक पे रखने के लिए, या नहीं तो फिर सिक्का पे रखने के लिए वो ठीक से बैठ सके। इसलिए उसके बाद क्या करते हैं, उस निर्जलीकृत किया हुआ वो भूसा हम डालते हैं इस पन्नी में, और इसके लिए मेन हो जाता है स्पॉन। हम कहीं बाहर से मंगवाते हैं, ऐसे जगह पर जहाँ से कि मतलब प्योर हमारा अच्छा हो, रजिस्टर्ड स्पॉन लैब हो, ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। भी इसको तैयार करके रखते कहाँ? इसको हम तैयार करके भूसे को पहले 3 इंच के लेयर पर बीज डालते हैं। एक बैग में लगभग 200 से 250 ग्राम बीज आ जाता है। उससे उत्पादन कितना होता है? उससे उत्पादन 200 ग्राम बीज लगता है, और लगभग एक बैग में 2 किलो सूखा भूसा लग जाता है, और इसका उत्पादन 3 क्रॉप में 1.5 से 2 किलो इसका उत्पादन हो जाता है। अच्छा, ये बताइए आपकी लागत कितना लगेगी? तो इस एक बैग में हमारा कुल लागत लगभग कम से ज़्यादा 50 रुपया, और कम से कम 40 रुपया में हमारा एक बैग रेडी हो जाता है। तो उसको तैयार करने के बाद उसको जब बिक्री केंद्र पर लाते हैं तो कितना? तो अगर इससे 3 हार्वेस्ट होता है तो 1.5 से 2 किलो इसमें मशरूम निकल जाता है, तो उसका कीमत हो जाता है लगभग 300 रुपया। तो 50 रुपया हमारा इसमें इन्वेस्ट होता है, और हमारा शुद्ध लाभ लगभग 150-300 तो हो ही जाता है। रेट पर निर्भर पड़ता है। अगर अच्छा, इससे और क्या क्या तैयार किया जाए? जैसे ये नमकीन रखा हुआ है, ये है हमारा नमकीन, ये अस्टर मशरूम का जैसे कि चूर्ण बना लिए, ये डस्ट है, और इस डस्ट को मैदे में मिला के ये नमकीन बना लिए, और ये डस्ट है। इस डस्ट को मतलब हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सब्जी में भी मिला के यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये अगर जो शुगर पेशेंट है तो दूध थोड़ा सा सुसुम करके इसमें 1 चम्मच डाल के शुगर पेशेंट इसको अगर डेली यूज़ करेंगे तो उससे शुगर कंट्रोल रहता है। इससे एक तरह से डायबिटीज भी कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल। ये
और ये तीसरा ये क्या कब्ज के लिए तो ये एकदम बहुत रामबन है। तीसरा ये कब्ज में क्या काम करती है? कब्ज में मतलब जिनको कब्ज की शिकायत है वो ठीक हो जाता है। इसका कैसे यूज कैसे किया जाता है? यूज बस दूध में डाल के 2 चम्मच खा लीजिए या नहीं तो फिर सब्जी में मिला के भी यूज कर सकते हैं इसको। और तीसरा है ये ड्राई मशरूम, हमारा ऑयस्टर का ड्राई मशरूम है। इसको भी मतलब इसको बनाने का तरीका है, इसको गर्म पानी में धो लेते हैं, उसके बाद उबाल लेते हैं तो ये पूरा मतलब नरम हो जाता है। उसके बाद सब्जी में मिला के इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा ये मशरूम का बड़ी, इसको भी मतलब ये चना के दाल में इसको तैयार कैसे किए? इसको चना का दाल रात भर भिगो लेते हैं और फिर सुबह में इसको मिक्सी में पीस करके और इस डस्ट को मिला लेते हैं और उसके बाद उसको सेब दे दिया जाता है। उसको दिन भर सुखा देने के बाद फिर पैकिंग करके उसके बाद सब्जी में मिला देते हैं। इससे नुकसान भी है क्या? नुकसान कुछ भी नहीं, इसमें जितना भी है जो भी है फायदा ही फायदा है। वैसे तो कही है कि हर रोग से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी पावर मजबूत करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये सब तैयार करने के लिए कितने कमरा चाहिए? कमरा ये अगर इसको हम तैयार करेंगे तो कमरा जो भी हो जितना छोटा हो और जितना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, अगर आप बड़े पैमाने पर इसका बिजनेस करना चाहेंगे तो आप जितना भी बड़ा कमरा ले लीजिए। वैसे मेरे पास जो है 25x35 का एक हॉल टाइप का है, उसमें हमारा एक हॉल में लगभग 4 से 4.5 हज़ार बैग होता है, तो हमारा लगभग इसका इनकम। आपके स्टॉल पे ये क्या लगा हुआ? ये साथ भी उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं? ये उसका बॉक्स होता है बी बॉक्स, उसमें मतलब मधुमक्खी से तो लोग करीब करीब डरते हैं, आप लोग को क्या लग रहा है? मधुमक्खी तो पहले डरते हैं जबकि उनको पता नहीं होता है कि मधुमक्खी मुझे क्या करेगी। वैसे जब पालना शुरू कर देते हैं तो उनको जान पहचान लेते हैं। और ये इटालियन मधुमक्खी होती है जो कि हम लोग पालन करते हैं, तो अगर ये काट भी लेती है तो फायदा ही होता है, इससे नुकसान नहीं होता है। काटने से भी फायदा होता है, इसको काट लेने पर उन्हें फाइलेरिया। आपका बांका जिला में कहीं स्टॉल बना हुआ है क्या? अगर किसी को लेना हो तो कहाँ आपसे? PBS कॉलेज एक कार्ड है मेरे पास, PBS कॉलेज के पास हमारा यूनिट है, मधु और मशरूम का दोनों आपको मिल जाएंगे, कार्ड भी छपा कर रखे हैं। अगर कोई ट्रेनिंग भी चाहते हैं तो बी कीपिंग और इसका मशरूम। आपको प्रेरणा इसका कहाँ से मिला? कृषि विज्ञान, सबसे पहले तो मशरूम का जो ट्रेनिंग मिला था हमको कृषि विज्ञान केंद्र बांका यहीं पर और कृषि विभाग आत्मो से, और दूसरा बी कीपिंग का भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र बांका, यानी जितनी भी ट्रेनिंग मिलता है हम लोगों को वो कृषि विज्ञान केंद्र बांका और कृषि विभाग आत्मो दोनों इंक्लूड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रिंकू देवी है, जिला गाँव से। जिला स्तरीय किसान मेला में सभी किसान भाइयों का स्वागत करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बांका से मैं वरीय वैज्ञानिक साहब प्रधान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पराली प्रबंधन के लिए शुरुआत से ही हम लोगों ने तैयारी की और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है, किसानों को खेत पर भी प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है। ये हैप्पी सीडर मशीन है जो आज के दौर में किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई कर रहे हैं धान गेहूं की, उसके बाद पराली उस खेत में ही रह जाती है, तो उससे पराली खेत में रहती है जिससे बुआई करने में समय लग जाता है। उसके लिए हैप्पी सीडर का उपयोग किया जाता है, क्यों पराली खेत में रहते हुए भी इसकी बुआई बिजाई की जाती है, धान की और गेहूं की बिजाई हम लोग कर देते हैं। जो पराली छूट गई है खेत में उसको एक जगह पर समेट करके उसके बेल बना देती है, चौड़े चौड़े गट्ठर की टाइप बना देती है, उसको कम जगह पर वो संरक्षित करके रख सकते हैं कि जो बेमौसम में हम पशुओं को वो चारा के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। ये सबसे अच्छा मशीन है जिसका उपयोग किसान भाई अभी कर रहे हैं। ये जिला स्तरीय किसान मेला लगाया गया है जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में लगा है, जिसमें आत्मा और कृषि विभाग सभी मिल करके इस मेला का लगाए हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र में एक नई तकनीकी है जो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत है कि पराली प्रबंधन कैसे किया जाए, जो भविष्य में हमारी समस्याएं हैं उसको निदान के लिए पराली प्रबंधन के लिए हम लोगों ने बायोचार का यूनिट का निर्माण किया है, जिसमें हम लोग पराली को जलाते हैं बिना हवा के में, जिसमें कि वो पराली जो बदल करके ये बायोचार का रूप ले लेती है। और ये बायोचार जो हम लोग पराली के प्रबंधन में बहुत सहयोगी होता है और इसको हम लोग खेत में पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है और ये विघटन भी बहुत देर से होता है जिससे कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। इससे जिंक, कैल्शियम ये सारी चीज़ें जो पराली में रहती हैं वो
खूब बहुत पौधे को मिल जाता है, अपने खेत में चला जाता है। इसके साथ ही हमारा कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर पशुओं के लिए है, साथ ही यहाँ पर जो समेकित कृषि प्रणाली जो हमारे पूरे बांका के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु के अनुसार है, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे करके दिखा रहे हैं और किसान इससे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग हमारे बांका जिला में 10 से ज़्यादा समेकित कृषि प्रणाली का किसान लोग लगाए हुए हैं। साथ ही ये फीड ब्लॉक को आप देख सकते हैं कि जिससे कि किसान लोग अपना फीड ब्लॉक से फीड को कंपेयर करके सारा न्यूट्रिएंट को रख करके एक अपने पशुओं को खिलाते हैं, जिससे कि कम जगह में इसको रखते हैं साथ पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको न्यूट्रिशन मिलता है जो दूध देने में उसको सहायक होती है। साथ ही हमारी प्रगतिशील महिलाएँ जो हैं जो अपने जो है जो एजोला का और सारी जो कार्य कर रही हैं ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं, जो हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो प्रगतिशील किसान हैं। कल हमारे किसान को कुछ बिहारी सिंह जो है उनको राज्य स्तर मेला में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है प्रगतिशील किसान का, ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। और हम इस कार्यक्रम के तहत सभी किसानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि जो बांका जिले के किसान बहुत ही मेहनत से इस कार्य कर रहे हैं और आय को दुगना करने में सही रहा है।